सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है, जिसका महत्व हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। कलयुग में दान को ही मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग बताया गया है। दान को सभी धर्मों में कल्याणकारी माना गया है। सनातन धर्म में चारों युगों में अलग अलग कर्मों की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही है जो मानव के जीवन का कल्याण कर सकता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में दान अवश्य करते रहना चाहिए। लेकिन दान करने के कुछ नियम होते हैं। दान हमेशा श्रद्धा पूर्वक और विनम्रता से करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके दान को गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा दान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दान करने से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में जिन्हें हमें दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष आचार्यों की माने तो हमें घर में रखे स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। अन्न और जल को महादान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन हमें किसी को भी बासी भोजन दान नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कॉपी किताब दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप कभी भी किसी विद्यार्थी को किताबें दान करें तो ध्यान रखें कि वह कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो नई किताबें ही दान करें। शनिवार के दिन लोग अक्सर तेल का दान करते हैं, लेकिन तेल दान करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तेल शुद्ध हो, पहले किसी भी चीज में इस्तेमाल में ना लाया गया हो, नहीं तो यह बुरे परिणाम लेकर आता है। हमें प्लास्टिक की चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि प्लास्टिक का दान हमारे व्यापार को प्रभावित करता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये घर से दरिद्री को दूर करती है, इसलिए झाड़ू कभी भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू को दान में देने से आर्थिक नुकसान होने लगते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप दान के नियमों का पालन जरूर करेंगे।